नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी लोगों का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जो कि SBI PU प्री के मॉक टेस्ट पर है। तो उसका डिस्कशन स्टार्ट किया जाए, लेकिन उसके पहले आप लोग एक बार सेशन को शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल है उसे फॉलो कीजिए, जिससे आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। सर्च कीजिएगा दीपक कुमार के नाम से, आपको मिल जाएगी बैंकिंग कैटेगरी में प्रोफाइल। साथ ही साथ आप प्रोफाइल का जो लिंक है आपको सब्सक्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। और वेबसाइट पे अगर जाना चाहते हैं तो unacademy.com/@DDMathsPro के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे हम प्लस कोर्स में एनरोल करते हैं और क्या आपको कोड अप्लाई करना होता है डिस्काउंट पाने के लिए। तो कोई भी आप कोर्स प्लस जिसमें आप एनरोल करना चाहें, उसके लिए सबसे पहले तो अपना गोल चूज करते हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन पेज पे आते हैं और जब आप आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से फी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। इन फी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ एक रेफरल कोड डालना होता है जो की है DPAK10। बस ये आप कोड डालेंगे, आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए भी आपको ये कोड यूज करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सारी फ्री क्लासेस आपके लिए, बस आपको कोड यूज करना है अनलॉक के लिए। जैसे आपसे बोला जाता है अनलॉक कोड, बस आपको ये डालना है DPAK10। तो बस कोड डालेंगे और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका बिल्कुल यूज करें और जो ऐसा मैंने बताया आपको। साथ ही साथ SBI PU प्री का जो बैच है 12 दिसंबर से 10:30 टू 11:30 की टाइमिंग में स्टार्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप बिल्कुल इसे एनरोल कर सकते हैं और कोड यूज करेंगे DPAK10 तो डिस्काउंट भी मिलेगा। ये प्लस कोर्स में 12 दिसंबर से बैच चल रहा है मॉर्निंग 10:30 टू 11:30, इसको आप बिल्कुल एनरोल करें। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। 5 सवाल क्वालिटी क्वेश्चंस के आने होते हैं, मेजॉरिटी होती है, चांस होते हैं कि क्वालिटी क्वेश्चन के 5 सवाल पूछे ही जाएं, तो 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, चलिए ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, x²-17x+66=0। दूसरा है y²-17y+72=0। अब देखो 66 के साथ प्लस साइन लगा हुआ है, यहां माइनस है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव आएंगे बाद में फैक्टर, लेकिन कौन कौन से होंगे? तो 11 और 6 होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे 66 और ऐड करने पे 77। इसी तरीके 72 है और ये 17 है, तो 9 और 8 होने चाहिए, 9 और 8, बाद में दोनों प्लस हो जाएंगे कि नहीं। अब जरा कंपेयर कर, देखो 11 9 से क्या है ग्रेटर, 11 8 से क्या है ग्रेटर, प्लस 6 9 से क्या है स्मॉलर, प्लस 6 8 से भी क्या है स्मॉलर। तो जब अपोजिट साइन हो जाते हैं तो आंसर क्या होता है? नो रिलेशन, ऑप्शन नंबर 5। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लीनियर इक्वेशन का है, चलिए ट्राई कीजिए और बताइए। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको बताएं, या तो आप इलिमिनेशन मेथड लगाते हैं या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो अगर यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, इसको 5 से इंटू किया जाए इसको 2 से तो 10 हो जाएगा। देखो ये क्या होगा, 10x+15y=, कितना 260, 10x-22y=, कितना 16 का डबल है तो 32। अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो ये 10x कैंसिल हो गया, 15 और 4 कितना हो गया 19y, और जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए 25 में से 3 घटा देंगे तो 22। y की वैल्यू क्या होगी, 19 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 3 2 3 और 8, 19 का डबल 38, 12 आ जाएगा y।
अब देखो y आ गया 12, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो x निकल आएगा, तो 10 इंटू एक्स प्लस 15 इंटू 12 रखेंगे तो 180 होगा बराबर 260, मतलब x क्या हो जाएगा 180 घटाएंगे तो 80 बटे 10 मतलब 8। तो अब यहां पर x आ गया 8, y आ गया 12, मींस x y से क्या है छोटा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लियर, तो ऐसे सवाल लीनियर इक्वेशन को आपको इस तरीके से डील करना है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वालिटी इक्वेशन है आपके सामने, चलिए ट्राई कीजिए फिर बताते हैं कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x² - 33x + 16 = 0। अब देखो पहले जब x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट लगा होता है तो ये 2 से गुणा होता है पहले 16 का, तो 32 हो जाएगा। 32 के दो फैक्टर जिसका सम 33 आए तो क्या हो सकता है, 32 और 1, तभी तो ऐड करने में 33 आएगा। अच्छा ये माइनस है तो ये दोनों माइनस होंगे लेकिन बाद में दोनों प्लस हो जाएंगे, तो फाइनल साइन लगा देते हैं हम प्लस प्लस के, लेकिन डिवाइड बाई 2 करना मत भूलें। ये 2 कौन सा है, ये जो x स्क्वायर के पीछे लगा हुआ है, जो पहले गुणा होगा बाद में वो डिवाइड भी होगा, तो ये 16 हो गया और ये हो गया 1/2। सेकंड वाला देखा जाए, 2 3 6, दो फैक्टर 6 और 1 जोड़ने पे 7 आएगा ना, डिवाइड बाई 2 करना मत भूलें, डिवाइड बाई 2 भी कर लें। आपको पता है कि ये माइनस वाले दोनों प्लस हो जाएंगे बाद में, तो फैक्टर क्या आएंगे 3 और ये 1/2। अब जरा बताओ यहाँ पे 16 तो 3 से भी बड़ा है, 1/2 से भी बड़ा है, लेकिन 1/2 3 से तो छोटा है, इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइन हो गया, मींस आंसर होगा नो रिलेशन। क्लियर, डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, इसको ट्राई करो। x² - 5x - 14 = 0 दिया है, y² + 15y + 26 = 0 दिया है। देखो क्या करेंगे, 14 घटाने पर मान क्या चाहिए 5, तो 14 के दो फैक्टर घटाने पर मान 7 और 2 होगा तभी 5 आएगा। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो -7 + 2 होना चाहिए तभी माइनस का 5 आएगा, लेकिन बाद में साइन चेंज होंगे तो क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, यही चीजें ध्यान देनी होती है। 26 के दो फैक्टर 13 और 2 तभी 15 आएगा, तो -13 - 2 हो जाएगा। अब देखो 7 दोनों से बड़ा है, -2 13 माइनस से तो बड़ा ही होगा क्योंकि निगेटिव में नंबर कम होता है तो वैल्यू बड़ी होती है, और -2 हो जाएगा इक्वल, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सेकंड, बड़ा या बराबर। बात समझ आ रही है, क्लियर है ना, कोई समस्या किसी को है तो बिल्कुल बता दीजिएगा, और अगर क्लियर है तो फटाफट थम्स अप दो एक बार, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे आगे अगला सवाल, एक और बहुत ही बेसिक है, इसको ट्राई कर लो। x² - 11x + 18 = 0, y² - 2y - 24 = 0। क्या करना है, 18 के दो फैक्टर, तो 6 3 18, लेकिन नहीं यहां 11 चाहिए तो 6 3 नहीं चलेगा, 9 2 चलेगा, 9 2 18 9 2 11, दोनों प्लस, 24 और 2, तो क्या हो सकता है 6 और 4। अब यहां माइनस चाहिए, इसका मतलब -6 + 4 होगा, लेकिन बाद में साइन चेंज होंगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब जरा बताना, 9 6 से बड़ा, -4 से बड़ा, बट 2 तो छोटा हो गया 6 से, नो रिलेशन आ गया। ओके, क्लियर, डन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है वो क्या है, व्हाट विल रॉन्ग नंबर, मतलब रॉन्ग नंबर बताना है सीरीज में कौन सा रॉन्ग है। रॉन्ग नंबर में
आपको मिस स्पेल देखना है, कौन सा गलत लिखा गया है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अब अगर आप देखें स्टार्टिंग से, तो वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, मतलब घट रही है। तो 396 से 380 कितना हो रहा है? 16। 380 से 364 ये कितना हो रहा है? 64, 16, ये भी 16 ही हो रहा है। यहां अगर देखा जाए तो ये कितना है? 13 है। यहां अगर देखा जाए तो 11 है, यहां देखा जाए तो 9 है। अब देखो इधर से 9, 11, 13, तो यहां 15 आना चाहिए और यहां 17 आना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में मिस स्पेल्ड है। तो जब दो जगह गड़बड़ होती है तो हमेशा ध्यान देना इसके सेंटर वाला ही रॉन्ग होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। 380 हमारा गलत है, यहाँ पे 379 आना चाहिए, तभी जाके ये आपका 17 और 15 क्वालिफाई होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई क्या करना था? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल इसको ट्राई कर लो। इसमें भी रॉन्ग नंबर ही बताना है, चेक करके देखो क्या लॉजिक है। 11 से 12 प्लस 1 हुआ, 12 से 21, 9, यहां पे देखो क्या 25 हो रहा है। इसका मतलब क्या? 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो अगला क्या होना चाहिए? 7 स्क्वायर, मतलब 49। 49 होगा तो यहां क्या आएगा? 95 आएगा, मींस 96 क्या हो गया? रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वन, एक और रॉन्ग नंबर बताना है। नौ सौ नब्बे 1097, पहले ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो कितना प्लस हुआ? देखो 107 हुआ कि नहीं, फिर देखो घट रहा है कितना कम हो रहा है, 114 हो रहा है कि नहीं, फिर देखो ऐड हो रहा है 107 114, तो 121 होना चाहिए। 121 करेंगे अगर तो ये क्या आएगा? 3 1 4 8 2 10 9 1 10 11, यहां 1104 आना चाहिए। लिखा है 1004, मतलब ये गलत है। 1104 में घटेगा क्या? 128। और अगर इसको मैच कराओ तो देखो ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, 14 में आठ गया 6, यहां हो गया हमारे पास 1 कम 9, 9 में 2 गया 7 और 11। यहां पे अगर होता 1104 है ना, हाँ, तो एक यहां कम हो गया था ना, 10 1 9, सही है बिल्कुल, 976 डन। तो ये जो है लॉजिक क्या है? 107 114 121 और 128, ये लॉजिक इसमें चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और सीरीज देखो। बहुत ज्यादा वैल्यू इधर उधर डिस्टर्ब है, दो फिर बढ़ गई एकदम से, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, अल्टरनेट कुछ चल रहा होगा। चेक करते हैं, डिफरेंस निकाल के पता चल जाएगा। प्लस 8 है ना, यहां देखो माइनस 9 है ना, यहां देखो प्लस 64 है ना, यहां देखो माइनस जो है 25 है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 का क्यूब है ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, तो अगला 6 का क्यूब होना चाहिए, और वो भी क्या? प्लस माइनस तो प्लस, तो 216 जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 256 आएगा, और लिखा है 250 है, तो ये भी नन ऑफ दी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम बेसिक है, देखने में आपको लग रहा होगा कि नहीं बड़ा मुश्किल है, बट आप डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। और एग्जाम में भी आप 5 में से 3 प्रॉब्लम आसानी से करते हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें कॉमन डिफरेंस रूल से सॉल्व हो जाती है। दूसरा, नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाता है, थोड़ा डर और बढ़ जाता है लोगों का कि नन ऑफ दीज आ गया सर, दोबारा चेक करें। लेकिन आप कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर, अगर आपका पैटर्न सही है तो आंसर नन ऑफ दीज हो सकता है, क्योंकि वो भी एक आंसर ही है। क्लियर है? यहां तक सारी बातें डन है, कोई समस्या किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, एक और
देखो 10 से 20 होना मतलब इधर से अगर आप सोचो तो आसान पड़ेगा, इंटू टू है ना, 20 से 60 होना इंटू थ्री है ना, 60 से 240 होना इंटू फोर है ना, 240 से 1200 होना चाहिए इंटू फाइव, इसका मतलब क्या, ये 1220 गलत है, यहां होना चाहिए 1200, डन। तो ये तो बहुत ही आसान था, इधर से असेंडिंग है, इधर से सोचोगे डिसेंडिंग, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 2, ऐसे चल रहा है। चलिए कुछ सवाल अप्रोक्सीमेशन के करते हैं, एसबीआई पीओ प्री में 5 सवाल अप्रोक्सीमेशन के आएंगे, इसकी प्रैक्टिस भी आप करके जाइए। बोर्डमॉस इसमें भी अप्लाई करना होता है, पहले हम 22.02 है तो इसको 22 मानिए, 10.99 मतलब 11, तो ये सीधा सीधा 2 टाइम्स हो गया ना, प्लस 33.98 है तो इसको हम 334 मान लेते हैं, माइनस 56.23 इसको 56 भी रोक देते हैं। अब देखो ये क्या है, 236 है, सॉरी 336 है और माइनस 56 है, इसका मतलब क्या है, 660 हो गया और ये हो गया 28.33, 280 ऑप्शन नंबर सेकंड, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर सबसे आसान सवाल है 280 आसपास, एक और सवाल ध्यान देना, अप्रोक्सीमेशन लगा हुआ है, दशमलव की वैल्यू को आपको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, तो 49.99 मतलब सीधा सीधा 50%। देखो ये तो 50 हो गया, इसमें आप बहुत ज्यादा चेंज मत करना, ऐसा नहीं कि इसको 780 मान लो, नहीं, 778 है, 0.18 इसको छोड़ दो, तो 778 का 50% मतलब 1/2 निकालना है, माइनस 9.99 मतलब सीधा सीधा 10 कह लो, 499 मतलब सीधा सीधा 500 भी अगर कहेंगे तो सीधा सीधा ये क्या हो गया, 50 माइनस ये क्या है, 1/2 है किसका, 778 का, तो कितना आएगा, 399 आएगा ना, 1/2 389 आएगा, 389। अब 389 मतलब 50 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, 339 मतलब लगभग 340 ऑप्शन में दिया है चौथा, उस पे हम लोग टिक करेंगे, तो बस 50% निकालना था, हाफ करना था, और यहां पे आपको 500 का 10% निकाल देना है और 50 बस आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब अप्रोक्सीमेशन का ही सवाल है, 65.99 मतलब क्या, 66 डिवाइडेड बाई 33 इंटू क्या लिखा हुआ है, 10.95 मतलब 11 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 121 प्लस 5.98 मतलब 6 क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 216। अब देखो ये तो सीधा सीधा 2 है लेकिन इंटू करना होगा 121 का, तो ये हो जाएगा 242 और इसमें 216 ऐड भी करना है तो कितना हो जाएगा, 400 और 42 16 58 मतलब लगभग आंसर जो बन जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो 460, क्योंकि 458 है नहीं और उसके आसपास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, डन। बस समझ आ गई क्या करना है, राउंड फिगर समझ में आ रहे हैं सारे, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल इसको डन करो जल्दी से, बताओ क्या आंसर होगा, बहुत ही आसान है, फटाफट ट्राई करके बताओ, 12.12 इंटू 7.98 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3.99, तो ये क्या सीधा सीधा 4 है, ये क्या है 12, इसको हम 8 मान लो तो 12 96 हो जाएगा ना, 96 प्लस 4 करेंगे तो 100 आएगा ना, 100 क्या एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, सिंपली 10 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए डीआई करते हैं, एक बहुत ही बेसिक डीआई है और ये आईबीपीएस पीओ प्री में पूछा गया चार्ट था, उसी के बिहाफ पे हमने ये आपको सेट किया है। यहां पर आपके पास जो लाइन चार्ट है इसमें 3 टाइप्स के जू हैं, फर्स्ट ए, सेकंड वन बी एंड थर्ड वन सी। इस एबीसी के सीक्वेंस में आपको याद रखना है, अगर आपको लग रहा हो कि सर कैसे पहचाने तो मैंने आपको हिंट दे दी है, सबसे नीचे ए है, फिर बी है, फिर सी है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एलिफेंट ऑफ जू बी ओवर ऑल द इयर्स अप्रोक्सीमेटली, बी का मतलब सेकंड वाला, एवरेज बताना है सभी वर्षों का, तो जोड़ लेते हैं पहले, 200 400 600 700 900 1000
1200, और ये 50 50 मिला के 100 मतलब टोटल हो गया 1300 डिवाइडेड बाई ईयर कितने हैं 336, कितनी बार जाएगा 6 2 12, एक और जीरो बच गया मतलब एक बार, चार बच गया तो 6 7 42 कह सकते हैं या 6 6 36, तो 216 पॉइंट समथिंग चलेगा। 216 समथिंग में ऑप्शन क्या है 217, डन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर। केवल आपको क्या करना था, ये वैल्यू प्लस करनी है और डिवाइड बाई आपको कर देना होगा सिंपली 6, क्योंकि 6 इयर्स हैं, औसत मतलब होता है भाग देना जितने आंकड़ों की बात हुई। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट ऑफ ऑल द 3 गिवन जू इन द 6th ईयर 2016 एंड 18। 2016 में और 2018 में सभी चिड़ियाघर से मिलाकर जो कुल एलिफेंट हैं उनका अनुपात, तो देखो ये 16 वाला आंकड़ा क्या है 200 300 500 600, ये क्या है 200 300 600 और 50 50 700, तो सिंपली क्या हो गया 6:7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डन क्लियर। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल। In which year the difference between number of elephant of zoo A and zoo B was maximum? ध्यान देना, zoo A मतलब first one, zoo B मतलब second one। अब इसमें एक हम आपको नई बात समझा देते हैं। देखो होता क्या है, जब एक ग्राफ बनता है तो कभी कभी जो ग्राफ बनता है वो रिलेटिव ग्राफ होता है, एक दूसरे से लाइन चार्ट कंपेयर करते हैं जब, तो इंटरसेक्ट करती हुई लाइनें जाती हैं, क्योंकि वो जो स्केलिंग की जाती है वो कंपेरेटिव एनालिसिस होती है। बट यहां पे देखो हर लाइन अपने आप में तो असेंडिंग डिसेंडिंग बता रही है, लेकिन एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे आप अगर 2015 में हम एग्जांपल दें तो देखो जूसी जो है वो 150 डेटा रख रहा है लेकिन बना हुआ है 250 के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि ये 100 150 250 अपने आप में तो ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, लेकिन इसका ए के रेफरेंस में कोई समझौता नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आपको दूरी देख करके नहीं समझना है कि डिफरेंस कहां कम कहां ज्यादा है, आपको वैल्यू समझनी है, और वैल्यू इसलिए मेंशन है। तो ध्यान दो, 2014 में 200 और 150 मतलब 50 का ही अंतर, 2015 में 250 150 मतलब 100 का अंतर है, 2016 में देखो 200 150 मतलब 50 का अंतर है, 2017 में देखो 200 300 मतलब 100 का अंतर है, 2018 में अगर देखो 100 350 250 का अंतर है कि नहीं, और यहां देखो 250 400 तो 150 का ही अंतर है। मतलब जो सबसे ज्यादा अंतर है, सर्वाधिक अंतर है, वो कहां है 2018 में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 5। तो यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि यहां वैल्यू पे ध्यान दो, डिस्टेंस पे नहीं। बहुत बार लोग डिस्टेंस देख के बता देते हैं कि सर सबसे कम दूरी तो यहां 2016 में है, लेकिन वैल्यू देखो ना, वैल्यू क्या है कम। तो ये जो बना हुआ ग्राफ है ना, इसका जो एस्पेक्ट है वो क्या है, ये इंडिपेंडेंट लाइन चार्ट बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। द टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट ऑफ जू ए एंड जू बी इन द ईयर 17 में ए और बी की कहानी है, तो 200 300 500 हो जाएगा ना, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट ऑफ जू ए बी एंड सी इन द ईयर 19 में एबीसी तीनों, तो कितना 200 300 700 और ये 800 50 50 इसका मतलब इन 200, तो ये सिंपली क्या 5/8 है, और 5/8 इन 200 अगर आप कुछ याद आ रहा हो तो 5/8 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं 62.5%, 37.5% 3/8 होता है याद रखो, 62.5% 5/8 होता है याद रखो, 87.5% 7/8 होता है याद रखो, ये तीन वैल्यू याद रखो। तो 62.5 आया मतलब 5/8 ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट ऑफ ऑल द जू इन द ईयर 15 एंड 19। ओके, 15 में टोटल कितने 150 400 250, 4 2 6 7 800 हो जाएगा ना, 2019 में अगर देखा जाए तो क्या है 2 1 3 4 3 7 यहां भी 800 है, तो डिफरेंस कितने का 0 का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इफ इन द ईयर 2020 द
द नंबर ऑफ एलिफेंट इज इंक्रीज्ड बाय 20% इन ईच जू। अच्छा 2020 में अगर जो टाइगर हैं वो 2019 की कंपैरिजन नहीं बढ़ेंगे, हमेशा प्रीवियस से ही कंपेयर होता है, तो 20% अगर प्रत्येक जू में ज्यादा है तो टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट बताने हैं 2020 के, लेकिन 2015 के भी। तो देखो 2015 में तो कोई चेंज नहीं होगा, सिंपली 2, 4, 6, 7, 800 हो जाएगा। लेकिन जब हम 2019 की बात करेंगे तो 2019 में देखो पहले तो 800 हैं ये, लेकिन हमें तो 2019 से 2020 पे जाना हो। 20 में क्या है, 20% बढ़ाए गए हैं। इसका मतलब क्या, अगर हर जू में 20% एलिफेंट बढ़ेंगे तो ओवरऑल भी तो 20% ही बढ़ेगा। मतलब 800 यहाँ थे, 20 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 120%। 120% का मतलब क्या है, 960। 2020 में कुल एलिफेंट कितने, 960, यहाँ कितने, 800। ऐड करना है तो 9, 8, 1760, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? तो ये कहानी जो 20 की है वो 19 के आगे बढ़नी है और 15 वाला डेटा एज इट इज ऐड कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैशलेट डीआई है, इसको हम आपको सॉल्व करके समझाते हैं। ये भी 2020 के जो आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछी गई थी। तो कैसे कैसे ट्राई करना, पहले हम आपको इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके आंसर्स दिए जाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंडेड द एनुअल फंक्शन आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज। कोई कॉलेज है उसमें कुल विद्यार्थी कितने हैं नहीं पता अभी। हाँ, उसमें ये लिखा गया कुछ बॉयज और कुछ लड़कियां हैं जो एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। गर्ल्स वेयर 60% ऑफ द बॉयज एंड नंबर ऑफ बॉयज वेयर 20 मोर देन गर्ल्स हु अटेंड द एनुअल फंक्शन। ध्यान देना, ये सेंटेंस यहां से लेके यहां तक पूरा एक साथ पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, लड़कियां जो है लड़कों का 60% है जो कि 20 ज्यादा है, बॉयज ज्यादा है जिसमें से 20 लड़कियों से। ये किसके बारे में बात हो रही, जो अटेंड करते हैं, मतलब इस सारी कहानी अटेंड करने वालों की है। इसका मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज लिखें तो क्या कहेंगे, 60% होने का मतलब क्या, ये 100 है तो ये 60 है, मतलब रेशियो क्या होगा, 3:5। जिसमें से ये भी कहा गया कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 20 ज्यादा है, मतलब यहाँ 5 और 3 अंतर कितने का, 2 का, 2 की वैल्यू क्या 20, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 30, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 50। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर लड़कियां अटेंड करने वाली 30 हैं तो बॉयज अटेंड करने वाले 50 हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं। दूसरा, इसके आगे कहानी क्या, यहां तक तो 30 और 50 वो लोग पता चल गए जो अटेंड करते हैं। अब क्या लिखा, ओनली 25% ऑफ गर्ल्स अटेंड द फंक्शन, मतलब टोटल जो कॉलेज में लड़कियां हैं उसका 25% ही अटेंड करती हैं। इसका मतलब लड़कियों का जो 25% हिस्सा है वो अटेंड करता है एनुअल फंक्शन, तो वो 25% हिस्सा क्या है, 30 है। इसका मतलब टोटल लड़कियां 120 रही होंगी। अरे भाई 25% की वैल्यू अगर वो 30 है तो 100% मतलब क्या, 4 गुना, तो 30 का 4 गुना 120। इसका मतलब टोटल लड़कियां 120 हैं, अटेंड करने वाली लड़कियां उसमें से 30 हैं। अब जरा बताओ एक और बात इन्होंने लास्ट में कही है, कॉलेज में लड़के और लड़कों तथा लड़कियों की कुल संख्या 5:6 में, मतलब क्या, 120 जो है वो 6 के बराबर है, क्योंकि ये 6:6 किसका है, लड़कियों का। 120 बराबर 6 बराबर 120 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 12 = 20, 25, 100 होगा कि नहीं, मतलब यहां क्या आएगा, 100 आएगा। तो क्या आंकड़े पता चले कि टोटल 120 और 100 की कहानी है, उसमें से पार्टिसिपेट करने वाले 30 और 50 हैं। इसका मतलब अगर माइनस कर देंगे तो नहीं पार्टिसिपेट करने वाले भी आ जाएंगे। यही सारी कहानी है इस कैसलेट डीआई में। क्लियर? क्वेश्चंस पे आते हैं तो आपको पता चलेगा पहला सवाल क्या है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी बताया 120 गर्ल्स हैं, 100 बॉयज हैं, टोटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 220, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु अटेंड द एनुअल फंक्शन। ध्यान देना, बॉयज की बात है एनुअल फंक्शन में अटेंड होने वाले, देखो ये तो लड़कियां थी ना, ये बॉयज थे, तो बॉयज कितने, 50, सिंपली 50 विल बी आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। फाइंड द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स हु डोंट अटेंड द एनुअल फंक्शन। ध्यान देना, डोंट अटेंड पूछा यहां पे। अब जरा बताओ टोटल 120 लड़कियां हैं, 100 बॉयज हैं, अटेंड करने वाली लड़कियां 30 हैं और लड़के जो है वो 50 है,
इसका मतलब क्या, हमसे पूछा कि नहीं अटेंड करने वाले, तो माइनस करो कितना आएगा, 90 आएगा ना, ये 50 आएगा ना, तो रेशियो क्या बनेगा, 9:5। मतलब नहीं अटेंड करने वाले बॉयज, अच्छा पहले तो बॉयज 5 होगा और गर्ल्स बाद में, तो आंसर 5:9 देना है। 9:5 जो आया था वो गर्ल्स इज टू बॉय आया है, तो इसका मतलब भी आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर। एक और सवाल, नंबर ऑफ बॉयज हु अटेंड द फंक्शन, तो 50 अभी याद करो भी बताया, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 220 × 100, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, 22, 2 से 11 कर देते हैं, 2 से 50 कर देते हैं, ये 250 हो जाएगा। 250/11 का मतलब क्या है, 11 का डबल 22, 30, तो 11 का डबल 22 दशमलव समथिंग चलेगा, तो 22 समथिंग में ऑप्शन नंबर देखो सेकंड है, 23 अप्रोक्स में देना है, क्योंकि यहाँ नन ऑफ दीज ऑप्शन है। डन, तो ये कैसलेट डीआई थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा गया है लास्ट एग्जाम में, छोटी सी कैसलेट डीआई है, 2-3-4 सवाल इससे पूछे गए जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और सेशन कैसा रहा बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और इनरोल कीजिए 20 तारीख को होने वाले बैंकिंग कॉम्बैट के लिए, और रेफरल कोड यूज कीजिए BPAK10। तो मिलते हैं नए सेशन में नए सवालों के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, थैंक यू सो मच।